अपने स्थानों पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कृष्ण जी के जन्मोत्सव में, कृष्ण जी की जन्मस्थली पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय, एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय के लिए। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति से हम सब धन्य हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय मंत्री दुग्ध विकास पशुपालन एवं मत्स्य, आपका स्वागत, अभिनंदन। माननीय श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय नगर विकास मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर और सर्वोपरि सब हमारे बीच में संतगण हैं, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। इनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे हम सबके दिलों में घर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम ये कथन है कि संतों को और महर्षियों को सर पे बैठा के रखना है। इसी कथन को सत्य करते हुए, सिद्ध करते हुए संत जनों का स्वागत व सम्मान माननीय जी के कर कमलों से अभी होना है। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से चल रही हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी मथुरा पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय संत चरणों के सत सत नमन। भारत के बेटी जब जिस समय घर से निकलती है केवल एक ही बात कहती है कि आदरणीय योगी जी ने कहा था कि गुंडा विहीन यूपी और गड्ढा विहीन सड़कें, ये योगी जी ने करके दिखाया है। इस ब्रजभूमि में सबसे पहले जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, सबसे पहले हमारे तीर्थ स्थल घोषित किए। ब्रज में हजारों करोड़ रुपए कम से कम विकास के कार्यों में आदरणीय पूजनीय योगी जी ने लगाए हैं। ये ब्रजवासी लाला के जन्मदिन के जी महाराज की पूज्य सत्तर की आज के इस दिव्य और भव्य और इस पवित्र ब्रज आज हमारे लाला को जन्मोत्सव मना रहे हैं। जाके ताई आज मंच पे सब पूज्य संत विराजमान है। हम सभी ब्रजवासी अपने पूज्य संतों को नमन करें, पूज्य संतों को प्रणाम करें। आज हम आदरणीय अपने लाडले मुख्यमंत्री जी आज इस उत्सव में आप सब जरूर बहुत।